कल हम लोग गए थे एक पार्टी में, वहाँ दही बड़ा बहुत प्यारा लगा ना, तो उसी की याद आ रही है। इट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का मौसम है बड़ा प्यारा है, धूप धूप निकल आई है आज। कल तो नहीं थी लेकिन आज धूप बढ़िया है। तो आज मैं सोच रहा था कि अपने जो कपड़े हैं उनको धुल कर डाल दूँ। कपड़े धुलने से पहले सोच रहा हूँ कुछ नाश्ता कर लूँ, क्योंकि भूख भी लगाई है, 8 बज चुके हैं सुबह के। तो फिलहाल देखता हूँ नाश्ते में क्या है आज। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो आज नाश्ते में बन रही है मुंगौरा और चाय, दोनों खाने में मज़ा आएगा। पकौड़ी होती है मुंगौरा की, इसमें क्या होती है, मूंग की पकौड़ी होती है और चाय, ये दोनों चीज़ नाश्ते में बन रहा है। तो तब तक मैं जाता हूँ ब्रश कर लेता हूँ और उसके बाद बनकर रेडी हो जाएगा, फिर खाऊँगा। तो ब्रश तो हो चुका है और फिलहाल वेट करते हैं चाय बनने का, चाय बन जाए तो चाय पीते हैं। और हाँ, तब तक ये भैया आ चुके हैं। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मस्त। दही बड़ा? दही बड़ा। कल हम लोग गए थे एक पार्टी में, वहाँ दही बड़ा बहुत प्यारा लगा ना, तो उसी की याद आ रही है, इसीलिए सुबह से दही बड़ा हम लोग चिल्ला रहे हैं। बहुत प्यारा था, दिल खुश हो गया था कल खाने में। तो फिलहाल देखते हैं, वेट करें, चाय अपनी बने, चाय पीते हैं। तो गाइस, चाय और पकौड़ी तो रेडी हो चुकी है और मैं पी रहा हूँ। ये भैया हैं, ये पापा हैं, गुस्सा हो रहे हैं मेरे ऊपर। 8 बजे आता हूँ ना रात में, इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। पापा गुस्सा हो। कल चाय तो पी लिए हैं, अब जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि टाइम भी हो गया है और सोच रहा हूँ नहा लूँ, मौसम अच्छा है। तो फिलहाल जा रहा हूँ नहाने, उसके बाद आपसे मिलूंगा। अच्छी बात यह है कि जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाना ना भूलें, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मैं नहा कर आ गया हूँ और अब देखो बाल कितने छोटे करवा दिए यार, अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब जल्दी से बड़े हो जाएं तो और स्मार्ट लगने लगूं, और धीरे धीरे करके दाढ़ी वाड़ी सब बढ़िया से इस बार रखूंगा। अब कभी बाल इतने छोटे नहीं करवाऊंगा। बहुत लोग टोकते हैं कि इतने छोटे बाल क्यों करवा डाले हो, तो जल्दी से बढ़ जाएं तो उसके बाद फिर खूब मनोरंजन होगा। A few moments later. अब टाइम है शाम के 6 और दिन का ब्लॉग पता है थोड़ा बिजी रहता हूँ, ऑफिस चला जाता हूँ पापा के साथ, तो वहाँ का नहीं बना पाता, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। अभी जब घर आया हूँ ना तो ब्लॉग बनाया, तो अभी जब देख लो पूरा दिन थके हारे होने के बाद जब वापस घर आया हूँ तो इतना टाइम हो जाता है कि मम्मी दोबारा से खाना बनाने लगती है। आप ब्लॉग में देखते होंगे, कहते होंगे सुबह जब उठता है तब भी मम्मी खाना बनाती हैं, शाम को जब बनाता है फिर भी मम्मी खाना बनाती हैं। अब क्या करूँ इसमें भाई, मैं चला जाता हूँ दिन भर के लिए ऑफिस में, वहाँ का तो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता। बट कल संडे, तो कल का वीडियो बहुत एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि कल पूरा दिन मेरे पास टाइम रहेगा और पूरा दिन होगी मस्ती और घूमेंगे फिरेंगे और कल का वीडियो बहुत मस्त बनाएंगे। तो अभी चलते हैं, फिलहाल पहले मम्मी से मिलते हैं। गाइस, मम्मी से मिलने से पहले मुझको 2-4 लोगों से मिलना पड़ा, कुछ सब्सक्राइबर आए थे मुझसे मिलने। एक बात तो है, अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है मेरे में, बट लोग मुझको जानने लगे हैं, आते हैं बोलते हैं यूट्यूबर हो, हाँ हाँ। तो वही लोग बोलते हैं कि आए थे हम लोग मिलने, अभी बाहर गेट में आवाज़ कर रहे थे तो मुझको जाना पड़ा वहीं मिलने, और उनसे मिल तो आया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपने प्यार इस मम्मी से मिलने, सुबह से नहीं मिला हूँ उनसे मैं। गाइस, फाइनली हम अपने मम्मी के पास आ गए। मम्मी अभी तक पता नहीं कहाँ थी, काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, अब गुस्से में है, ठंड लग रही है ना तो खाना बना रही हैं। तो मम्मी प्यारी मम्मी, गुस्सा हो क्या, क्या हुआ? अरे ओ गुस्सा क्यों, कहा गुस्सा, फिर क्यों नहीं बोल रही हो? मुंह बागरत रहा हूँ, कहा हो? हाँ वही तो, काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ आपको, आप मिल ही नहीं रही हो। तो मम्मी तो खाना बनाने जा रही है, सब्जी तो बन गई है, सब्जी किसमें की है? आलू गोभी की सूखी सब्जी बन चुकी है और रोटी तैयार हो रही है। भूख भी लगी है मेरे बहुत तेज, क्योंकि सुबह ही थोड़ा बहुत खाना खाया था, उसके बाद मैंने खाया ही नहीं है। तो देखिए मम्मी आज गैस में रोटी बना रही है, आज तो चूल्हा बन नहीं रहा है रोटी, और जल्दी से बना दें। गैस, मम्मी को आज बहुत तेज सर्दी है, बार बार टी टी बजा रही है। देखो जब सांस लेती है ना नाक से तो सीटी बजती है। अरे मम्मी सुबह जाती है ना टहलने ठंडी में, वही सर्दी हो गई है, और मैं तो देर से उठता हूँ, मुझको कह रहे थे कि जल्दी उठा करो, जब मम्मी को सर्दी हो सकती है तो क्या मुझे नहीं हो सकती है, इसीलिए मैं देर से उठता हूँ
और मम्मी है कि सुबह जल्दी 4 बजे उठती हैं, या पूरे घर में सफ़ा किया, झाड़ू लगाया, उसके बाद मम्मी पापा दोनों टहलने निकल जाते हैं। और पापा पता क्यों सुबह गुस्सा हो रहे थे मेरे ऊपर, क्योंकि सुबह तो देर से उठता ही हूँ मैं, और उसके बाद क्या होता है कि शाम को लेट में आता हूँ घर, क्योंकि मार्केट में है, सब लोग घूमते रहते हैं तो थोड़ा लेट हो जाती है। तो कह रहे थे कि 8 बजे आते हो, 4-5 दिन से देख रहा हूँ। तो बोला नहीं, जल्दी आ जाते हैं। तो ये पापा डांट रहे थे कि शाम को तो लेट से आते हो मार्केट से, और सुबह भी लेट में उठते हो, जल्दी उठा करो। मेरे यहाँ सब लोग जल्दी उठते हैं, मैं ही बस लेट में उठता हूँ, इसलिए मैं ही सबसे ज़्यादा डांट खाता हूँ, और सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाला भी मैं ही हूँ। और फिलहाल अभी तो ये हाथ पता है कहाँ रखा है, बिजली बोर्ड के ऊपर रखा है। थक गया था ना, हाथ दर्द होने लगा, तो बिजली बोर्ड के ऊपर मैंने रख दिया है। और ये पीछे मम्मी है, रोटी बना रही हैं, रोटी बन जाए तो मैं भी खाना खा लूँ, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। और फिलहाल राहुल को बुलाकर लाता हूँ खाना खाने के लिए। तो ये रहा राहुल का रूम, और ये पढ़ रहा है, चलो खाना खा लो। ये रहा राहुल, और इसे बुलाने आए खाना खाने के लिए, चलोगे? क्या मस्त है, चलो ना। लाइट काफी स्लो जला रखा है, जलाया ही नहीं, ऊपर हल्की वाली लाइट जल रही है, देख लो, एक ये छत में जल रही है और एक इधर जल रही है, अब कोई है नहीं है। और मैं भैया भी बुला लेता हूँ खाना खाने के लिए। और ये रहा भैया का रूम, तो भैया पढ़ाई कर रहे हैं, चलिए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ चलिए, नहीं दूसरा है, चलो ना, बन गया है, ठीक है। अच्छा मैं जा रहा हूँ। तो गाइस भैया को बुला लिया और राहुल को बुला लिया, और अब मैं जा रहा हूँ खुद खाना खाने। पापा तो अपनी टीवी देख रहे हैं, पापा के लिए खाना अभी निकल जाएगा, तो पापा भी खा लेंगे, और मैं जा रहा हूँ फिलहाल खाना खाने। तो खाना तो मैं ले आया, ये रही आलू गोभी की सूखी सब्जी, और ये मैहर है, और ये रोटी है। तो गाइस जल्दी से मैं खाना खा लूँ, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ और उसके बाद आपसे आकर फिर मिलता हूँ। तब तक रुके रहिएगा इस ब्लॉग में। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार डेली बनाता हूँ वीडियो, कोई तो देखे, कोई है ही नहीं देखने वाला, तो आप ही कर लीजिए। नए जो इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, पुराने वाले वीडियो देखते रहें। और कुछ दिन बाद कॉमेडी वीडियो आने वाले हैं मेरे, तो अभी फ़िलहाल उनका वेट करिए, अभी तो इस ब्लॉग से ही काम चलाइए। तो जल्दी से खा लें, तो पहले खाना भूख बहुत तेज़ लगी है। तो गाइस खाना तो हो गया है, और खाना खाने के बाद मैं अपने रूम पर आ गया हूँ। बाहर गए थे टहलने, यार इतना ठंडी लग रही है, इतना ठंडा मौसम है कि कुछ कहने का नहीं। ये सिर्फ शर्ट पहने था बाहर, तो इतना ठंड लग रही थी। मैं अभी एक फ्रेंड भी आ गया था, तो उसके पास खड़ा था 2-4 मिनट, समझ लो ऊपर से एकदम हल्का शर्ट है, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। तो उसके बाद मैं बोला उसे, भाई तू जा अपने घर, मैं भी जा रहा हूँ घर, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ है, मैं नहीं सह सकता। गाइस 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दीजिए, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन स्पेशल पार्टी मेरी तरफ से, और उस दिन कुछ ना कुछ मैं नया अपने लिए लूँगा ज़रूर, या देखूँगा क्या लेता हूँ, बट कुछ ना कुछ ऐसा नया लूँगा जिससे ये ब्लॉग जो मैं बना रहा हूँ और बेटर बनने लगे, आप खुद ही समझ जाइए। और जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, तो थोड़ा मज़ा आने लगे यार वीडियो बनाने में। अभी थोड़ा क्या है ना, सब्सक्राइबर कम है, व्यूज भी नहीं आते, लेकिन फिर भी 2 दिन में एक वीडियो में 50 व्यूज जरूर पहुंच जाता है। गाइस मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूं, आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट विद ड्रीम, कल मिलते हैं, बाय।